नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आजनो आपणो विषय छे हिंदी। हिंदी प्रवेशिका धोरण छे बे, एमां आपणे आजे हिंदी में छेल्लू पेज काढो, 64 नंबरनो पेज छे आपणे काढीशुं अने ए आपणे पूरुं करीशुं। चलो चलो आजमाए, चलो आजमाए एटले के चलो चकासीए कि आ शुं छे। ओके, तो यहाँ देखो, खाली जगह के दिन बहन भाई को राखी बांधती है। कया दिवसे बेन भाई ने राखड़ी बांधे छे? तो सामे बे कौंस में जवाब आपेला छे, होड़ी में बांधे के रक्षाबंधन में? बोलो बद्दा, रक्षाबंधन में। सरस, बहु होशियार। तो अहीं तमारे लखवानुं रक्षाबंधन। ओके, हवे बीजो प्रश्न, महावीर जयंती खाली जगह का त्यौहार है। महावीर जयंती खाली जगह का त्यौहार है, एटले के कोनो त्यौहार छे? जैनोनो या ईसाईओ का? बोलो। तो महावीर जयंती जैनों का त्यौहार है। किसका? जैनों का। तो यहाँ लिखना है जैनों। तीसरा क्वेश्चन, खाली जगह में बच्चे रंगों से खेलते हैं। कया दिवसे बाड़कों रंगों थी एटले के रंगों लगाड़वानो एक बीजा ने एवी रमत रमे छे? कया त्यौहार में? होली में के ईद में? होली में। सरस, होली में तमे एक बीजा ने कलर लगाड़ो छो। हाँ, तो होली में बच्चे रंगों से खेलते हैं। चार नंबर, खाली जगह में के दिन मुसलमान एक दूसरे के गले मिलते हैं। जो मुसलमान एटले के मुसलमान लोको कया दिवसे एकबीजा ने गले मले छे? क्रिसमस ना दिवसे के ईद ना दिवसे? तो ईद के दिन। कौन से दिन? ईद के दिन मुसलमान एक दूसरे को गले मिलते हैं। अब ये पांचवा क्वेश्चन, खाली जगह लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। कया लोको क्रिसमस नो त्यौहार मनावे छे? हिंदू के ईसाई? ईसाई। कौन मनावे? ईसाई। तो ईसाई लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। अब छठा क्वेश्चन, दीपावली खाली जगह मास में आती है, एटले के दिवाळी कया महीनामां आवे छे? तो आश्विन के अषाढ़? तो आश्विन मास में आती है दीपावली, आश्विन मास में आती है। अब प्रश्न दो, अंग्रेजी वर्ष के 12 महीनों के नाम हिंदी में लिखो। गुजराती में अंग्रेजी वर्षना 12 महीनाना नाम हिंदी में लखो। आपणा अंग्रेजी महीना छे एना 12 महीनाना नाम तमारे अहीं हिंदी में लखवाना छे। तो जनवरी, जनवरी जोई जोईने लखवानुं छे, जोवा अने वांचे जवानुं छे, खाली लखवा खातर लखवानुं नथी। बीजो महीनो छे फरवरी, तो अहीं लखो फरवरी। ત્રીજો છે માર્ચ, તો માર્ચ। ચોથો એપ્રિલ, પાંચમો મઈ, તો અહીંયા મઈ। જૂન, તો જૂન। જુલાઈ, તો અહીંયા લખો જુલાઈ। ઓગસ્ટ, તો અહીંયા લખો ઓગસ્ટ। સપ્ટેમ્બર, તો સપ્ટેમ્બર। ઓક્ટોબર, તો ઓક્ટોબર। 11મો મહિનો છે નવેમ્બર, ઓર અહીંયા હે ડિસેમ્બર, તો અહીંયા ડિસેમ્બર। જોઈ જોઈને સેમ ટુ સેમ લખવાનું છે। પ્રશ્ન ત્રણ, તો પ્રશ્ન ત્રણમાં ગુજરાતી વર્ષ કે 12 મહિનો કે નામ હિન્દી મેં લખો। અહીંયા હતા અંગ્રેજી મહિનાના નામ અને અહીંયા લખવાના છે ગુજરાતી વર્ષના 12 મહિનાના નામ। તો પહેલો મહિનો છે ચૈત્ર, બરાબર? તો અહીંયા લખો ચૈત્ર। બીજો છે વૈશાખ, તો અહીંયા લખો વૈશાખ। તો બીજો છે વૈશાખ। ત્રીજો જેઠ, અને જ્યેષ્ઠ પણ કહેવાય। ઓકે, તો અહીંયા લખો જ્યેષ્ઠ।
चौथा है अषाढ़, तो अषाढ़। पाँच श्रावण, सावन भी बोलते हो उसको, श्रावण। छ का भादो, भाद्रपन बोलाए, भाद्रपद, भाद्रो। सातवा महीना आश्विन, कुवार, आश्विन, तो आश्विन। आठमा कार्तिक, तो कार्तिक। नवमा मार्गशीर्ष, तो अगहन, एले मार्गशीर्ष। दसमा पौष, पूष भी बोले, पौष। ग्यारहमा माघ, तो यहाँ माघ। और बारहमा फाल्गुन, तो यहाँ फाल्गुन। ये सारे महीने हमें याद रखने हैं, देखना। ये गुजराती महीने के नाम हमें याद करने हैं, यानी कि तैयार करने हैं, और ये अंग्रेजी महीने भी हमें तैयार करने हैं, याद रखना है। और ये लेसन में सारे हमें हमारी हिंदी की नोट में कितनी बार, ये तीन बार और ये भी तीन बार लिखना, और ये भी दो बार। ये हमारा है होमवर्क, એટલે કે તમારે હોમવર્કમાં આ પેજ જે મેં તમને કહ્યું છે કે પહેલો પ્રશ્ન બે વખત, પ્રશ્ન બે ત્રણ વખત, પ્રશ્ન ત્રણ ત્રણ વખત તમારી હિન્દીની નોટમાં લેશનમાં લખવાનો છે, અને અંગ્રેજી મહિના એટલે કે આ એ તમારે તૈયાર કરવાના છે। બાર મહિના છે આપણા, કયા કયા છે હું તમને પૂછીશ, અને પ્રશ્ન ત્રણના ગુજરાતી મહિના છે એ પણ તમારે હિન્દીમાં તૈયાર કરવાના છે, એ પણ હું તમને પૂછીશ। એટલે તમારે જ્યારે લેશન કરો ત્યારે બોલી જવાનું છે અને લખી જવાનું છે, લખવા ખાતર લખવાનું નથી। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીંયા આપણી હિન્દીની ચોપડી એટલે કે હિન્દીનો આપણો અભ્યાસક્રમ પૂરો થાય છે, અને આપણો વિડીયો પણ અહીંયા પૂરા થાય છે। આ આપણો લાસ્ટ એટલે કે છેલ્લો વિડીયો છે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, કંઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય તો સોરી એન્ડ નમસ્તે, થેન્ક યુ।